हाँ जी हाँ बोलते हैं मुरली बोले कि हम ब्रह्मा के तन में नहीं आते हैं। मुरली में बोले बाबा हम ब्रह्मा के तन में तो पाठ बजाते नहीं हैं। मुरली में बोले कि हम ब्रह्मा के तन में आते नहीं हैं। कौन बोले? किसके बाप? अरे किसके बाप बोले है? पहले पहले नहीं आते हैं कि बाद में नहीं आते हैं कि बीच में नहीं आते हैं? अब कब आए आते हैं वो तो नहीं बताया। मुरली में तो बोलते हैं कि ब्रह्मा में आते नहीं है, ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा के तन में आते नहीं है? किसी ने मुरली में सुना कि मैं ब्रह्मा के तन में नहीं आता हूँ? अरे देखो इतने लोग बैठे हैं, एक माता कहती है कि बाबा ने बोला, क्या बोला? मैं ब्रह्मा के तन में नहीं आता हूँ। अब इतने लोग बैठे हैं, कोई दूसरा तस्दीक करो इस बात को, क्या बाबा ने मुरली में कभी ऐसे बोला कि हम ब्रह्मा के तन में नहीं आता हूँ? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता। हाँ सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, जो साकार वतनवासी ब्रह्म है उसमें आता हूँ या नहीं आता हूँ? आता हूँ। तो ये माता झूठ बोलती है सच बोलती है? अच्छा और चलो बाबा, ये आप पॉइंट जो है, ये आप पॉइंट का वेस्ट में प्रिंट करके बाबा बनवाया जाए? बनवाया जाए? अरे ऑल इंडिया में बनवा भी रहे हैं, छपा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, चिपकाए भी रहे हैं, फाड़ भी रहे हैं। तुम आप पूछ रहे हो? पता नहीं बाबा, इसलिए पूछ है, मालूम नहीं था इसलिए। क्या नहीं मालूम था कि ये छपाया नहीं जा रहा है वेस्ट में पूरे प्रिंट? तो मैं ये पता नहीं पड़ा कि ये छपाया जा रहा है कि नहीं छपाया जा रहा है? ये वेस्ट में बोल के पता नहीं पड़ा है? वेस्ट में छपाया जा रहा है बोल के पता नहीं पड़ा? वेस्ट में लगाने वाला कपड़े में? अरे कपड़े में चढ़ाओ, चाहे तुम रैगजीन में छपाओ, चाहे दीवारों पे छपाओ, चाहे पोस्टर में छपाओ, छपाना माना छपाना। हाँ बोलो है। बस जो आदमी बोला ना कि मतलब संवत से जो है 111 है, जो 111 से संवत शुरू होगा वो 18 के बाद से शुरू होने का आपने बोला? हाँ लगभग 17-18 के आसपास शुरू होना चाहिए ये बताया। कैलेंडर में जो नई दुनिया में आ जाएंगे वो कैलेंडर थोड़े ही छपाएंगे। जो इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ नरक की दुनिया के बीच सोई स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो गई है वो छपाएंगे। अरे नई दुनिया के लोग कैलेंडर को मानते हैं क्या? हैं? दुखी होते हैं? हैं? दुखी कौन होते हैं? जो दुखी होते हैं वो एक एक दिन गिनते हैं तब कैलेंडर बनता है। तो जो नई दुनिया में होंगे वो सुखी होंगे या दुखी होंगे? हैं? सुखी होंगे, उन्हें तो कैलेंडर बलेंडर से कोई मतलब ही नहीं। हाँ जो दुखी दुनिया में हैं और इस ज्ञान को समझ जाएंगे कि हाँ बाप आ गया, प्रत्यक्ष हो गया, हमारा बाप आ गया, नई दुनिया स्थापन कर ली है, क्या नई दुनिया स्थापन कर ली है और अब हमें नई दुनिया में जाना है, तो वो कैलेंडर छपा देंगे। और बाबा अभी जो मुरली में आया है कि अभी हम सब ब्रह्मा संपूर्ण बन रहे हैं, अभी बने नहीं है ना, तो मुरली में बोला है कि बाप दादा जब चाहे तब घर वापस जा सकते हैं, तो कौन से बाप दादा जा सकते हैं? बाप दादा जा सकते हैं, बच्चों के लिए बोला क्या? अभी तो संपूर्ण बन रहे ना, बने तो नहीं है ना। बाप दादा, बाप दादा पुरुषार्थ करना चाहें तो इतना ज्वालामुखी पुरुषार्थ कर दें कि वापस जा सकते हैं कि नहीं?
हैं, उनमें इतनी तीव्र गति है या नहीं है? पुरुषार्थ की तीव्र गति बाप दादा में है या नहीं है? है, लेकिन हम बच्चों में तो नहीं है। तो किसके लिए रुके हुए? बच्चों के लिए रुके हुए हैं। नहीं तो बच्चों के संसर्ग संपर्क में आना ही बंद कर दे, मरो, हमें क्या मतलब? हम क्यों तुम्हारे संसर्ग संपर्क में आकर के अपनी मट्टी पलित करें? अरे संग में आने से रंग लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? लगता है। तो संग में आएंगे पतितों के, तो हम भी पतित बन जाएंगे। तो बाप दादा सोचते ऐसे सोचते हैं कि हम भी पतित बन जाएंगे, है? नहीं सोचते। बाप दादा तो फिर भी बच्चों के संग के रंग में आते हैं, समझते हैं कि ये बच्चे अभी पतित हैं, भगत हैं, है? कहते हम पापी नीच कपटी हैं, हमसे बार बार गलतियां होती रहती हैं, आप ही तरस परोई, आप ही हमारे ऊपर तरस खाओ। तो बाप दादा सोचते हैं कि चलो हम इन बच्चों के बगैर वापस, है, हम अकेले वापस नहीं जाएंगे। तो झूठ सोचते हैं कि गलत सोचते हैं? अरे बाप दादा सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं? सही सोचते हैं। और बाबा इच्छा और लक्ष्य में क्या अंतर है? है? इच्छा और लक्ष्य में क्या अंतर है? इच्छा और लक्ष्य में क्या अंतर है? लक्ष्य, इच्छा खराब भी हो सकती है। और ब्राह्मणों का लक्ष्य, तो लक्ष्य ऊंचाई होता है या नीचे होता है? हाँ, ब्राह्मणों का लक्ष्य तो ऊंच होना चाहिए। अगर असल ब्राह्मण है तो लक्ष्य ऊंच होना चाहिए। क्या ऊंच होना चाहिए? नर से क्या बनेंगे? नारायण जैसे बनेंगे। और नारी से लक्ष्मी जैसे बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का ऊंचे लक्ष्य क्या है? हाँ? अरे आंखों से काम कटारी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? आंखों से भी काम कटारी नहीं चलाएंगे। जो सतयुग में राधा कृष्ण होंगे वो श्रेष्ठ इंद्रियों से, आंखों से एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखेंगे। और हम, हमारा लक्ष्य क्या है? हम राधा कृष्ण जैसे नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, जो चित्र में दिखाया है। क्या दिखाया है चित्र में? लक्ष्मी नारायण सामने देख रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, और उनके नीचे स्टेज वाले राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं। तो लक्ष्य ऊंचा किसका हुआ? लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य ऊंचा हुआ। वो देवताओं से देवता पैदा होंगे, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, और हमको तो सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। तो हम ऊंचे हुए या देवताएं ऊंचे हुए? हैं? हम ऊंचे हुए। दो हजार बारह में कुछ होने वाला है? 2012 में कुछ नया होगा? आपके कान में कोई कह गया या सपने में बोल गया? हैं? आपसे पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे? 12 के लिए क्यों पूछ रहे? 13-14 के लिए क्यों नहीं पूछा? 8-10 के लिए क्यों नहीं पूछा? आपके कान में कोई ने बोला है लगता है, है? है? किसी ने बोला? सुने हैं 12 में। आपने सुना है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या हुआ? दुर्गति पाई। अरे बोलो ना। बाबा मुरली में आया है, ज्यादा तंग करोगे तो विनाश करा देंगे। सूक्ष्म विनाश? अरे ये थोड़ा ही कहा कि स्थूल नहीं कराएंगे, सूक्ष्म कराएंगे, सूक्ष्म नहीं कराएंगे, स्थूल कराएंगे। क्या विनाश? विनाश मने विनाश, चाहे सूक्ष्म समझो तो भी करा देंगे। तुम्हारे जो सूक्ष्म गंदे संकल्प चलते हैं उन सब का विनाश करा देंगे। और जो स्थूल सृष्टि 5 तत्वों वाली है, जो दुख दे रही है, उस दुखदाई 5 तत्वों की सृष्टि का भी क्या करेंगे? विनाश करा देंगे।
ये पतित शरीरों का भी विनाश कराए देंगे या नहीं कराए देंगे? कराए देंगे, विनाश माने विनाश, चाहे सूक्ष्म हो और चाहे स्थूल हो। बाबा बोलते ना अपने अपने पार्ट खुलेंगे तो साक्षात्कार होगा। हाँ, तो साक्षात्कार की आस लगाए बैठे है? मैं अपना पार्ट कब खुलेगा? हाँ, अपना अपना पार्ट जब सामान्य रूप से बेसिक रूप से जब हम अपना पुरुषार्थ पूरा करेंगे तो सामान्य पार्ट खुल जाएगा, और जब हम विशेष रूप से अपना पार्ट पूरा करेंगे पुरुषार्थ का तो पूरा ही पार्ट खुल जाएगा 84 जन्मों का। पहले जन्म का पार्ट खुल जाए, जिस जन्म का भक्ति मार्ग में गायन पूजन यादगार बनता है, कब का बनता है? सत्युग के आदि जन्म का या संगम का? संगम में हमारी हमारा पार्ट क्या होगा? राक्षस का पार्ट होगा, राक्षसी का पार्ट होगा, देवी का पार्ट होगा या देवता का पार्ट होगा? चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं, हमारा चेहरा कौन सा तैयार हो रहा है पहले नंबर का? वो अभी पुरुषार्थ जीवन में डिक्लेयर होने वाला है, सिर्फ हमारे सामने नहीं, क्या सारी दुनिया चेहरे को देखेगी। हम आत्मा रूपी सितारे में जो भी आत्माएं हैं वो सब हमको पहचानेंगी कि हम राक्षस राक्षसी कुल के हैं या देवी देवता कुल के हैं, सब पहचानेंगे। और मुरली को अभी बोला था शंकर पार्वती के बात कथा माने है, शंकर के पार्वती के नाम सुन दिए माता पिता, अभी बोला नहीं अभी बात कथा माने। शंकर पार्वती के शंकर पार्वती के माता पिता नहीं है, है शंकर पार्वती की मुरली में बोला था। हाँ, सारे दुनिया माता पिता के रूप में स्वीकार करेगी, अभी मुरली में बोला नहीं माता पिता भी नहीं। अभी वर्तमान में, वर्तमान में जो टाइम चल रहा है उस वर्तमान समय में शंकर पार्वती भाई बहन हैं या युगल हैं? है भाई बहन है, ब्रह्मा के बच्चे हैं। पुरुषार्थी जीवन है या पुरुषार्थी जीवन संपन्न हो गया? शंकर पार्वती बन गए है, अभी तो भाई बहन है, ब्रह्मा की औलाद है, ब्रह्मा की औलाद है माने भाई बहन है पुरुषार्थी जीवन में। वो भी जब संपन्न ब्राह्मण बन जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? अरे शादी से पहले लड़का और लड़की भाई बहन होते हैं या युगल होते हैं? भाई बहन होते हैं, शादी के बाद युगल बन जाते हैं। तो शंकर पार्वती की बारात हो गई है? अभी तो नहीं हुई। बाबा एक स्लोगन है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। हाँ, पंछी को छाया नहीं फल लगे अभी जो। हाँ, क्या होता है इसका अर्थ? यही होता है कि फायदा नहीं है, खजूर के वृक्ष से फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? न तो छाया मिल रही है, छत्र छाया कि धूप से बच जाए, बरसात हो रही है पत्थरों की तो पत्थरों की बरसात से बच जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो उस वृक्ष के नीचे आ जाए छत्र छाया में तो थोड़ी सर्दी कम होगी या नहीं होगी? यात्रु यात्रा करते हैं तो खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं या कोई वृक्ष के नीचे सोना पसंद करते हैं? हा? वृक्ष के नीचे, तो खजूर के वृक्ष के नीचे सोना पसंद करेंगे? है नहीं, फायदा ही नहीं। तो जिससे फायदा हो
वो वृक्ष अच्छा, खजूर का वृक्ष तत्काल अच्छा नहीं है क्योंकि फल बहुत दूर है, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ना कोई जानता नहीं है, और चढ़ भी जाए तो ऊपर से नीचे देखेगा डर लगेगा, कांप जाएगा। और बाबा सहन करने में और समाने में क्या अंतर है? समाया जाता है, 500 करोड़ जो भी बच्चे हैं उन सबके स्वभाव संस्कार को, उनके बोल को, उनके उल्टे पलटे कर्मों को हम अंदर समाये लें, कोई प्रतिकार नहीं करें। जैसे माँ बाप का छोटा बच्चा होता है, नाक नोचे लेता है, आंख में उंगली डाल देता है, थप्पड़ मार देता है, तो माँ बाप समाये लेते हैं या प्रतिकार करके उसको थप्पड़ मार देते हैं? है? समाये लेते हैं। तो समाना अलग बात है और सहन करना अलग बात है। सहन करना मतलब क्या बाबा? सहन करने का मतलब यह है कि प्रतिकार नहीं किया। क्या? कोई दुख भी नहीं हुआ, आंसू भी नहीं निकले, तो कहेंगे पूरा सहन किया। बच्चा आंख में उंगली घुसेड़ दे तो आंख में से आंसू निकलेगा कि नहीं? है, निकलेगा। थप्पड़ मार दे तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आएगा कि नहीं? एक सेकंड के लिए आएगा, आएगा। बाबा एक मुरली में सुने थे कि बाबा सेना लोग को बोलते हैं, एक मुरली में सुने थे बाबा कि बाबा सेना लोग को भी बोलते हैं कि बाबा के याद में तुम गोली चला सकते हो। तो एक को मारने से अगर हजार बच सकता है तो एक को मारना कोई पाप नहीं होगा ना बाबा? वही सोच के ना बाबा बोले। तुम रूहानी सेना के वारियर हो या जिस्मानी सेना के वारियर हो? तो फिर बाबा तुम कौन सी सेना के वारियर हो पहले तुम अपना बताओ। जिस्मानी सेना के बाबा। तुम जिस्मानी सेना के वारियर हो? यहाँ क्यों बैठे हो, निकलो बाहर। तुम रूहानी सेना के हो ना? जिस्मानी सेना के बाबा। तुम जिस्मानी सेना के हो तो तुमको बोलने का हक नहीं, तुम पहले बाहर निकलो। बाबा तो बाबा। अच्छा तुम कौन सी सेना के? तुम बाबा रूहानी सेना से। बाप अपने रूह बच्चों से बात करते हैं या जिस्मानी बच्चों से बात करते हैं? तो रूहानी बच्चे रूहानी सेना के वारियर हैं या जिस्मानी सेना के वारियर हैं? रूहानी सेना। तो तुम क्यों कहते हो हम जिस्मानी सेना के वारियर? बताओ तुम पहले कौन सी है? तो रूहानी सेना से बात करते हैं। तुम रूहानी सेना हो इसलिए तुमसे बात करते हैं, नहीं तो तुमको निकाल के बाहर कर दे। मुसलमान को मुसलमान लोग अत्याचार करते हैं उसको, उनको नहीं कहते हैं बाबा के? एक मुरली में सुने बाबा। बाबा मुसलमानों को नहीं कहते हैं? मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले आत्मा बनेंगे? मुसलमान धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो आत्मिक स्टेज में स्थित होती है? नहीं होती। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले बैठे होंगे उनको देवान आता होगा, बाबा की हर बात का प्रतिकार कर रहे होंगे अंदर अंदर बैठे बैठे, उन्हें दुश्मनी फील होती होगी। आत्मिक स्थिति में नहीं स्थित रह पाते, घड़ी घड़ी देवान में आ जाते। तो फिर बाबा गोली जो बोले तो वो ज्ञान का गोली के बाद? हाँ, बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। बेहद का बाप है और बच्चे भी बेहद के। बेहद के बच्चे माने रूहानी वारियर। रूहानी वारियर ज्ञान की गोली चलाएंगे या स्थूल गोली चलाएंगे? यहाँ बाप के बच्चों में से किसी ने भी बंदूक का लाइसेंस लिया है क्या? है? बाबा एक मुरली में सुने ना वो तो। क्या सुना? मुरली में ही सुने। हाँ मुरली में। तुमने ये कैसे जान लिया कि बाप जो है वो हद के वारियर से बात करते हैं? बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। अब कंफ्यूज हो गए बाबा, लौकिक सेना को अभी आदेश दिए। ठीक है अब आराम से बैठ जाओ। और बाबा वो वार्तालाप में बोला गया है रामवादी आत्मा का और इस्लाम धर्म का खास कनेक्शन है, मतलब क्यों खास कनेक्शन है? क्यों? त्रेता के बाद कौन सा वंश पैदा होता है?
त्रेता के बाद सीधा डायरेक्ट कनेक्शन कौन से वंश का है? इस्लाम धर्म का। तो क्षत्रियों की औलाद पहले पहले कौन से वंश के बनेंगे? है कौन बनेगा? कौन सा धर्म वाला पहले पहले औलाद बनेगा? क्षत्रिय धर्म का। पहले पहले द्वापर युग जब शुरू होगा तो कौन से धर्म का औलाद बनेगा, बच्चा बनेगा? है इस्लाम। अरे राम तो क्षत्रिय वंश का है, क्षत्रिय धर्म का है, त्रेता में है। तो त्रेता के अंतिम जन्म में सभी राम के बच्चे हैं ना, तो उन क्षत्रियों की औलाद कौन से वंश के बनेंगे? अरे उन क्षत्रियों से पैदाइश किसकी होगी? इस्लामियों की पैदाइश होगी। तो अव्वल नंबर का क्षत्रिय कौन है? राम। जो अव्वल नंबर का क्षत्रिय है उससे द्वापर युग के आदि में पहले पहले कौन से वंश का पैदा होगा? इस्लाम धर्म का पैदा होगा। उसमें इस्लाम धर्म के कुछ न कुछ संस्कार जरूर होंगे, हिंसा करने के, बेहद की हिंसा करने के संस्कार होने चाहिए। अगर बेहद की संस्कार नहीं है हिंसा करने के तो बच्चा भी नहीं बन सकता। माना वो इस्लाम धर्म अव्वल धर्म होने के, वो अव्वल धर्म नहीं, और धर्मों में सब अव्वल धर्म होने के कारण अव्वल धर्म तो सनातन धर्म ही है। अल्लाह अव्वल दीन कहते हैं मुसलमान। मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह ने कौन सा धर्म स्थापन किया? दीन माने धर्म। कौन से नंबर का धर्म? अव्वल नंबर का धर्म स्थापन किया। तो मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया। वो अल्लाह किसको समझते हैं? है? निराकार ऊंचते ऊंचे और नीचे तो नीचे होता है, तो वो अल्लाह किसको समझते हैं? ऊंचते ऊंचे और नीचते नीच की बात किसके लिए है? सरकार के लिए। हाँ, तो उसके लिए वो कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। जब द्वापर शुरू होता है, द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है, तो द्वैतवादी दुनिया का अव्वल नंबर धर्म कौन सा है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है विधर्मियों और विदेशियों के बीच में? इस्लाम धर्म। इसलिए वो कहते हैं। और बाबा ये इस्लामियों को कामी भी बोलते हैं, और जो लब का पार्ट बजाने वाला है ना वो भी बोलते हैं, तो इसका वो जानते ही नहीं है कि असली लब रूहानी होता है या जिस्मानी होता है। वो अपन को जिस्म समझते हैं या रूह समझते हैं? इस्लामी अपने को जिस्म समझते हैं तो प्यार भी कैसा करेंगे? जिस्मानी प्यार ही करेंगे। तो वो लब का अर्थ जिस्मानी प्यार लगा देते हैं। और अच्छा बाबा, चार भी धर्म है, चार धर्म है, वो तो मुनि ने बोला है कि ब्रह्मा के बेटा है और राम के भाई है, तो कौन सा ब्रह्मा के बेटा है? कौन से ब्रह्मा के बेटा है? पांच ब्रह्मा है ना। अरे चार जो बच्चे हैं जब प्रत्यक्ष होते हैं ब्राह्मणों की संगमयुगी पुरुषोत्तम संगमयुगी दुनिया में, तो कौन से टाइम पर प्रत्यक्ष होते हैं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म उनका कब होता है, कौन से सन में होता है? अरे 76 में। तो 76 में कौन सा ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ? है? अरे अरे 76 में खास कौन सा ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ, जिस ब्रह्मा के संकल्पों से पहली पहली सृष्टि रची गई। संकल्पों से सृष्टि रचना ऊंचते ऊंच काम है या नीचते नीच काम है? ऊंचते ऊंच काम है। तो चार धर्म भाव है तो इसी में आएगा ना। और देहधारी के द्वारा, देहधारी के द्वारा जो अपन को देह भी समझता है और आत्मा भी समझता है। 76 में, 76 में राम वाली आत्मा अपने को सिर्फ आत्मा ही समझती आई है या देह भी समझती है? देह भी समझती। तो आत्मिक स्थिति में है। तो सनातन धर्म की स्थापना करने वाला सनत कुमार स्वयं की आत्मिक स्टेज में स्थित रहता है।
और जब देह बांध में रहती है तो किसका जन्म देती है? इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन धर्म के बीज का जन्म देती है। संकल्पों की सृष्टि है। तो चार धर्म वाला आत्मा है बाबा, चार धर्म वाले जो धर्म है वो तो सब निकल। चारों धर्म आत्मा नहीं है। चार धर्मों में पहला जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का बीज है वो आत्मिक स्टेज वाला कहेंगे, बाकी जो तीन हैं वो हिंसा वाले हैं या आत्मिक स्थिति वाले हैं? हैं? हिंसा वाले हैं, हिंसा का पक्ष लेने वाले हैं। कौन कौन? इस्लाम धर्म का भी बीज, बौद्ध धर्म का भी बीज और क्रिश्चियन धर्म का भी बीज। कन्वर्ट होने वाले हैं? हैं? कन्वर्ट होने वाले तीन नहीं, कन्वर्ट होने वाले बीज नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने धर्मों का बीज समाया हुआ है उनमें। आखिरी धर्म में पहले पहले वो कन्वर्ट होते हैं। और सीढ़ी में जो है तो वहाँ पर चार धर्म के दिखाई दिए, तो चार धर्म उनके चार सीढ़ी खाली है, तो सीढ़ी में आने अपने लोग के सीढ़ी में आने वाले हैं। एक धर्म का है, एक धर्म का सीढ़ी में आने वाले हैं। कौन से धर्म का सीढ़ी? सीढ़ी में जो दिखाया वो जो देखे वहाँ पर सीढ़ी है, वो तो षष्ठी का आदि दिखाया है। षष्ठी के आदि में ही ये चार बीज हैं। ये चारों बीज साकार रूपधारी हैं या सिर्फ निराकारी हैं? साकार रूपधारी हैं, लेकिन साकार रूप में भी ये साबित होता है कि जब नई षष्ठी तैयार होगी तो नई षष्ठी में ये चारों ही स्थापनाकारी, पालनाकारी और विनाशकारी ये सभी होंगे। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तब दिखाई पड़ेगा कि कौन कौन किस धर्म के बीज हैं। मुखिया प्रत्यक्ष होंगे तो उनकी प्रजा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। और 2018 में बाबा बोले प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब उसका पहाड़ टूटेगा बोले। हैं? 2018 में बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ? तब बोले दुखों का पहाड़ टूटेगा बाबा। दुखों का पहाड़ उनके ऊपर फूटेगा जो पाप कर्म करने से बाज नहीं आते हैं, श्रीमत का विरोध करने से प्रैक्टिकल में बाज नहीं आते हैं, जो श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं जानबूझ करके, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटेगा। जो बाप की श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको बाप रक्षा करेगा या दुखों के पहाड़ टूटेंगे? बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा या जो माया के बच्चे बन के रहे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष होगा? रावण के बच्चे बन के रहे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष होगा? पुरुषार्थी जीवन में जो माया के बच्चे बनकर ज्यादा रहे हैं उनके सामने पहले प्रत्यक्ष नहीं होगा, जो राम के बच्चे बनकर रहे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष होगा। तो उनके लिए नहीं कहेंगे कि दुखों के पहाड़ टूटेंगे। और बाबा ये मस्जिद का अर्थ दीवार बताया है ना, मस्जिद का अर्थ दीवार बताया है ना, तो मिस जिद मिस माने कन्या, कैसी मिस? जिद करने वाली मिस। कन्या जिद करने वाली अच्छी या जैसे चलाए वैसे चलने वाली अच्छी? गऊ अच्छी या बैल अच्छा? गऊ अच्छी। कन्या माने बछिया, गैया की बछिया, परम पवित्र,
जितनी पवित्र बुद्धि होगी उतना बाप को जल्दी पहचानेगी, बाप के नजदीक पहुंचेगी, मनबुद्धि से ही नजदीक पहुंच जाएगी, देह से नजदीक पहुंचे ये भी इच्छा नहीं रहेगी। मनबुद्धि को आत्मा कहा जाता है या देह को आत्मा कहा जाता है? मनबुद्धि कहां धरी रहेगी उसकी? बाप के नजदीक धरी रहेगी। तो बाबा जी, वो मस्जिद माना दीवार होता है, तो जो बड़ा ड्रामा में बाबर ने जो मस्जिद बनाता है ना, तो माना मस्जिद माना जो बीच की दीवार कर जाती है। हाँ, तो बाबा ने बड़ा ड्रामा में वो मस्जिद बनवाता है ना। हाँ, कैसे होती है? यहाँ कलयुग की शूटिंग नहीं होती है। लेकिन क्या, तो जब कलयुग की शूटिंग होगी तो ऐसी कन्याएं जिनकी बुद्धि बाप के पास नहीं धरी रहती है, किसके पास धरी रहती है? कौन सी कन्या बाप की श्रीमत पर चलेगी लगातार, और कौन सी कन्या बाप की श्रीमत को तोड़ करके बाहर भाग जाएगी? जिद करने वाली कौन सी होगी? पवित्र कन्या होगी या लौकिक जीवन में कहीं न कहीं अपवित्र बनने वाली होगी? हाँ, कहीं न कहीं अपवित्र हुई है तो उसकी बुद्धि बाहर भाग जाती है, इसलिए विघ्नों का दीवाल बनकर के खड़ी हो जाती है। ब्राह्मण परिवार में ऐसी बहुत सी कन्याएं हैं जो सरेंडर तो होती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बाप के घर में नहीं रहती, कहां चली जाती है? है, बाहर की दुनिया में चली जाती है। तो विघ्नों की दीवार हुई कि नहीं? वाइब्रेशन खराब करेंगी या नहीं करेंगी? है, एक दिन बाप को छोड़ के चली जाएंगी या नहीं चली जाएंगी? चली जाएंगी, चली जाएंगी तो यज्ञ में विघ्न आएगा, दीवार खड़ी हो जाएगी विघ्न की, या सहयोगी बनेंगी? लेकिन वो तो सब लोग विघ्न तैयार करेंगे, लेकिन जो बाबर ने मस्जिद बनवाया था है ना, दीवार है ना, तो माना राम वाली आत्मा वो कैसे विघ्न खड़ी करती है और कौन सा विघ्न करती है? अच्छा, बेसिक में देख लो, ओम राधे मम्मा बाबा की सहयोगी बन के रही या विघ्न बन के खड़ी हो गई? और जो माया का टाइटल धारण करने वाली है वो ज्ञान के रास्ते में विघ्न बन के खड़ी हो गई, सबको एडवांस ज्ञान समझने से रोक दिया, या सहयोगी बन के रही? रोक दिया तो विसजिद हो गई, साबित हो गया कोई इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म की मिसजिद है। लेकिन राम वाली आत्मा ही बड़ा डरावेंगे, वो मस्जिद स्थापन करती है ना, उसकी शूटिंग इधर कैसे होती है? यज्ञ के आदि में, क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान था नहीं, था पता ही नहीं था कौन माया रूपी मस्जिद है, न ब्रह्मा को पता था कृष्ण वाली आत्मा को, न राम को पता था। तो माया रूपिणी जो होती है वो सुंदर रूप धारण कर लेती है कि नहीं है? सुंदर रूप धारण कर लिया, न राम को पता है न कृष्ण को पता है, दोनों फिदा हो गए। तो शूटिंग हो गई कि नहीं है? शूटिंग हो गई। आदि में माया बाप की बच्ची थी, जब ऐसा पार्ट बजाती है तो उसे काम मिल जाता है कि जो भी श्रीमत की बरखिलाफी करने वाले हैं, बाप को भूलने वाले हैं, उनको तुम खूब फटकाओ। बाप ने ऐसे ऑर्डर दिया है ना, लेकिन अभी 100% श्रीमत पर तो 100% श्रीमत का उल्लंघन करने वाले भी तो हैं, है? तो 99% कोई चलने वाले हैं या नहीं? तो फिर बराबर बात हो गई। माया 100% श्रीमत का उल्लंघन करने वालों के पीछे ज्यादा पड़ेगी या 99% श्रीमत का उल्लंघन करने वालों के पीछे पहले पड़ेगी? 100% वालों के पीछे पड़ेगी पहले। और
भक्ति मार्ग में बाबा उपास रह करके व्रत करता है, इसका क्या मतलब? भक्ति मार्ग में खाने पीने की चीजों का उपवास करते हैं। खाना पीना भी भोग लगाना है, भोग है कि नहीं है, क्या भोगता है? ये खाना पीना इंद्रियों से भोग भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? है? भोग भोगना माने खाना पीना, कोई भी इंद्रियों से भोग भोगे, श्रेष्ठ इंद्रियों से भोग भोगते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की दुनिया में आंखों से आंखें लड़ाने बैठ जाते हैं, कहते हैं हम योग लगा रहे हैं, तो वो भोग भोगना हुआ या योग हो गया? क्या हुआ है? भोग भोगना हो गया। तो ऐसे ही चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, कोई भी इंद्रियों से भोग लगाते हैं तो वो भोग भोगना कहा जाता है। इसलिए भगवान का भी कोई खराब काम करता है? हैं? खराब काम तो करता नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में जब भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल देते हैं। बताओ, अरे पर्दा क्यों डालते हो? भगवान कोई खराब काम करता है क्या? भूखे रहते जो करते इसका क्या है? भूखे रहते उपास जो करते इसका क्या मतलब? हाँ, भूखा रहना इंद्रियों को, जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनको भूखा रखना कंट्रोल में करना है या नहीं कंट्रोल में करना है? अरे जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनको भूखा रखा जाए वो अच्छा है या न भूखा रखा जाए वो अच्छा है? है? भूखा रखा जाएगा क्योंकि पाप कर्म करती है। तो जो चोरी चकारी करता है, ये काम जो भ्रष्ट इंद्रियों का है वो छुपा के किया जाता है, चोरी चकारी है, ये अच्छा काम है? है? चोरी चकारी है जरूर, तो दूसरों से छुपा के करते हैं। कोई बच्चों के सामने माँ बाप ऐसा काम करता है क्या? है? नहीं करता। क्यों? मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये खराब काम है। अंदर से समझते भी हैं, लेकिन फिर भी माया के वशीभूत होकर के करते हैं, क्योंकि खाने की आदत पड़ गई है, भोगी बन गए, भोगी। भक्ति मार्ग में स्थूल उठाए लिया है और ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म बात है। इंद्रियों का भोग अनेक प्रकार का होता है। उन्होंने सिर्फ मुख का खाना पीना समझ लिया है। किन्होंने? भक्ति मार्ग के भक्तों ने। तो क्या करते हैं वो? खाना पीना छोड़ देते हैं, समझते हैं हमने भोग लगाना का व्रत ले लिया है, हम भोग वासना में नहीं जाएंगे। अरे वो भोग वासना की बात थोड़ी ही है, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हाँ बाबा, अभी जो प्रैक्टिकल में वो बड़ा डरावना का जो स्वर्ग आएगा ना, उसमें वो जानवर कैसे रहेंगे? प्रैक्टिकल में क्या? प्रैक्टिकल में जो बड़ा डरावना का स्वर्ग आएगा है ना, उसमें जानवर कैसे रहेंगे? जानवर? हाँ जानवर रहेंगे ना उधर। हाँ पहले तो जानवर बुद्धि रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो जानवर बुद्धि जो रहेंगे वो निर्विकारी होके रहेंगे या विकारी होके रहेंगे? निर्विकारी होके रहेंगे। स्थूल जानवर भी तो रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे बाबा? वो जानवरों की सृष्टि पहले तैयार होगी नई दुनिया में? जानवरों की राजधानी पहले तैयार होगी या मनुष्यों की पहले तैयार होगी? अरे जानवरों को पहले जानवरों की चिंता होगी या मनुष्यों को पहले जानवरों की चिंता होगी? है? अपनी अपनी जाति के लिए पहले चिंता करेंगे, अपने अपने परिवार के लिए चिंता करेंगे कि पहले जानवरों के परिवार के लिए चिंता करेंगे? है? अपने तो तुम मनुष्य हो या जानवर हो? दब तेरे की नहीं। और बाबा, जमीन पर शेर पशु को मार के खाता रहता है, पशु को मार के खाता रहता है जमीन पर शेर, तो ऐसे बिल्ली भी चूहा को मार के खाता रहता है, उसका हिसाब किताब कैसे होता है? जंगल में शेर किसी को हत्या करके मांस खाते हैं ना? मांस खा जाता है। और घर में बिल्ली भी चूहे को खाता है, उसका क्या हिसाब किताब? दोनों चौपाए हैं या नहीं है? हैं? जैसे मनुष्यों की अनेक प्रकार की जातियां होती हैं कि नहीं? मनुष्यों की जैसे जातियां होती हैं,
वैसे जानवरों की भी अनेक प्रकार की जातियां होती है। ये एक खास जाति है चौपाया, चार पांव से चलने वाले। तो जो चार पांव से चलने वाले हैं वो एक जाति से दूसरी जाति में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य अगर ब्राह्मण सो देवता, देवता सो पक्का हिंदू धर्म का है, तो वो कभी कन्वर्ट होकर के मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाता है कि नहीं है? उसका चेहरा मोरा बौद्ध या क्रिश्चियन जैसा बन सकता है कि नहीं? बन जाता है। तो ऐसे ही ये डायनासोर हुए हैं या सिंह हुए हैं। तो जिनको दुख तकलीफ दी है चौपायों को, तो वो चौपाए किसी दिन उनके कुल के बन जाते हैं और वो उनको मार के खा जाते हैं। हिसाब किताब पूरा हो जाता है। और बाबा वो माँ गीता जगदम्बा अम्बा है ना, वो क्या बेसिन में है? कहाँ पर बाबा है? माँ जगदम्बा और गीता माँ है ना? हाँ। वो बेसिन में है ना? कहाँ पर बाबा? ये बेसिक में है, अभी तो सुना नहीं गया कि बेसिक में है। लेकिन ज्ञान कहता है जो जिस कुल का है वो उस कुल में पहुंचेगा जरूर। अगर सन्यास धर्म की आत्मा है तो सन्यासियों से मिलकर के एक हो जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मण बीच मत बोलो। ब्राह्मणों की दुनिया में अगर कोई सन्यास धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी तो कहां चली जाएगी? आखिरी परीक्षा में। जो ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी बैठे हुए हैं सफेद कपड़ों वाले, घर घाट छोड़ करके उन्हीं में जाके मिक्स हो जाएगी। कोई पुराने सन्यासी होते हैं, कोई नए सन्यासी होते हैं। गंगा को कौन से धर्म का कहेंगे? है सन्यास धर्म की है, सन्यासी लोग उसकी पूजा करते हैं, तो जरूर वो ब्रह्मा कुमारियों में मिल गई होगी। ऐसे ही चंद्रवंश का जो बीज है रुद्रमाला में, रुद्रमाला में कोई चंद्रवंश का भी बीज होगा कि नहीं होगा? है? होगा। सूर्यवंश का बीज है सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर चंद्रवंश का भी बीज होगा। कौन होगा? है? अरे अरे सूर्यवंशियों का संग साथ किसके साथ होता है? पहले चंद्रवंशियों के साथ। तो चंद्रवंशियों का बीज माला में ऊपर होगा या नहीं होगा? तो किसके साथ जाके मिल जाएगा? सूर्यवंशियों में तो है ही रुद्रमाला का मणका, चंद्रवंशियों में मिल जाएगा। जो चंद्रवंशी में कन्वर्ट होने वाला है वो चंद्रवंशियों में जाएगा। इस्लाम धर्मियों में कन्वर्ट होने वाला है वो इस्लामियों में जाके मिलेगा। मायावती के कुल में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ है जन्म जन्मांतर, वो मोहम्मद के कुल में बेसिक में जो भी ब्राह्मण होंगे उनके साथ ही जाके मिल जाएगा। तो सारे ही धर्म के विरोधी विदेशी या विधर्मी किसके खिलाफत में हो जाएंगे? कौन से धर्म के खिलाफत में आएंगे? हैं? अरे नहीं, हाँ वो तो सनातन धर्म तो है। सनातन धर्म में भी तो कोई अव्वल नंबर है। अरे हाँ, सूर्यवंशियों की खिलाफत में ये सारे चले जाएंगे। चंद्रवंशियों, चंद्रवंशी भी ब्रह्मा कुमारियों से मिल जाएंगे रुद्रमाला के। इस्लाम वंशी भी मिल जाएंगे ब्रह्मा कुमारियों से। बौद्ध वंशी भी ब्रह्मा कुमारियों से मिल जाएंगे। जो भी भारतीय धर्म है, विधर्मी बौद्धी सन्यासी सिख, वो विदेशियों के प्रभाव में आते हैं कि नहीं? आ जाते हैं। तो यहां शूटिंग होगी कि नहीं है? तो शूटिंग होगी। तो जगदम्बा भी कौन से धर्म का बीज है? अभी
तो रुद्रमाला का मणका है या नहीं? रुद्रमाला में कौन से धर्म का बीज है? चंद्रवंश का बीज है। तो वो चंद्रवंश का जो बीज है वो चंद्रवंशियों में जाकर के जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं, चंद्रवंशी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन से ब्रह्मा की गोद में पले कि नहीं पले है? पले तो उन्हीं से जाके मिल जाएंगे। अब सूर्यवंश रह जाएगा अकेला। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही पांडव पांच रह जाएंगे उंगलियों पे गिनने योग्य, और बाकी सब कौरव और यादव बेसिक में दिखाई देंगे। तो सारा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं? महाभारत का स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बाबा महाभारत के युद्ध में निर्दोष भी मारे जाते हैं है? महाभारत के युद्ध में निर्दोष भी मारे जाते हैं ना? हाँ। क्यों मारे जाते हैं? अरे गेहूं पीसा जाएगा तो घुन भी पीसेगा कि नहीं है? जो कौरवों का सहयोग देंगे वो मरेंगे या नहीं है? और जो पांडवों को धोखा देंगे वो मरेंगे या नहीं? अभिमन्यु क्यों मरा? क्या धोखा दिया? पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ा। हाँ, अधूरी पढ़ाई पढ़ करके और युद्ध में कूद गया अभिमान दिखाने के लिए, मैं भी कोई हूं, भगवान का शिष्य हूं, भगवान कृष्ण मेरा गुरु है, मेरा बाप अर्जुन जैसा महारथी है। तो ये देह अभिमान हुआ या आत्माभिमान हुआ? देह अभिमान। पढ़ाई पूरी पढ़नी चाहिए ना। हाँ। और बाबा जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होते हैं और जन्म लेने वाले होते हैं ना, उनमें क्या अंतर होता है? क्योंकि जो जन्म लेने वाले होते हैं ना उनमें भी अंतमध्य सो गति हो जाती है ना उनकी। जो जन्म देने वाले हैं दूसरे धर्म में वो दूसरे धर्म के होंगे या सनातन धर्म के होंगे? वो तो दूसरे धर्म के हो गए। बाकी जो जन्म लेने वाले हैं वो जन्म लेने वाले आत्मा नहीं कही जाती है किसी धर्म की। देहधारी दूसरे धर्म का कहा जाता है या आत्मा कही जाती है? कुछ ना कुछ। अरे पहले ये बताओ, आत्मा दूसरे धर्म की होती है या देहधारी दूसरे धर्म का कहा जाता है? देहधारी होता है। तो देह होते हुए भी कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहेंगे कन्वर्ट होना। आत्मा है, सिद्धार्थ का बाप है तो सनातन धर्म का। सनातन धर्म का पक्का होने के कारण अपने बच्चे के प्रभाव में नहीं गया। भले सिद्धार्थ के द्वारा बड़ा भारी धर्म की स्थापना हो गई, देश विदेश में नाम वाला हो गया, तो भी प्रभावित हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। जीवन रहते प्रभावित नहीं हुआ, परंतु बुद्धि में तो आता है कि मेरा पहले बात तो पूरी हो लेने दो। बुद्धि में तो आता है कि मेरा बच्चा कितना महान निकला, कितना महान काम करके दिखाया। तो अपने बच्चे की महानता की तरफ मन बुद्धि रूपी आत्मा बार बार आकर्षित होती है या नहीं होती है? है? होती है। देह का धर्म पक्का निभाया, क्योंकि द्वापर युग में सब अपन को क्या समझते हैं? देह ही समझते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में तो पता ही नहीं है। तो आत्मा अगले जन्म में जब बौद्धियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है दो चार जन्म के बाद तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। माना जब जीते जी रहते तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है ना उनके ऊपर। प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है न कि देह के धर्म के ऊपर प्रभाव पड़ा? आत्मा को तो जानते ही नहीं।
तो इसलिए उतना पाप नहीं बना। आत्मा जाके जन्म ले लेती है, वो कोई कन्वर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कर्म देह से किए जाते हैं या मन बुद्धि रूपी आत्मा से कर्म होते हैं। किसके द्वारा कर्म होते हैं? देह के द्वारा कर्म होते हैं। लेकिन बाप बोलते हैं अष्टदेव जो है ना, वो भी दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं, माना अंतमते सो गति होती होगी ना, उसमें कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा है? कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा, तभी तो अंतमते तो प्रभाव जो पड़ता है वो दूसरे धर्म के जो अष्टदेव हैं, दूसरे धर्मों के जो पूर्वज हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, या जो देवी देवता सनातन धर्म का पूर्वज है पहले नंबर का, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर भी तो पड़ता होगा बाबा। सृष्टि की आदि होती है तो किसका राज्य होता है? सृष्टि की आदि में पहला नंबर कौन है? राम। राम नाम होता है उसका, विष्णु होता है नाम, नारायण नाम होता है। तो आदि में जो ऊंचे से ऊंचा है विष्णु है, वो अंतिम जन्म में क्या होगा? आदि सो अंत, तो अंतिम जन्म में भी श्रेष्ठ ही होगा दुनिया के मुकाबले, या नीचा हो जाएगा? अंतिम जन्म में भी हीरो पार्टधारी होता है, उसे कन्वर्ट होना नहीं कहेंगे। त्रेसठ जन्म विधर्मियों से विदेशियों से टक्कर लेता आया है, तो टक्कर लेने के संस्कार उसमें होंगे या हार खाने के संस्कार होंगे? और यही हार खाने के संस्कार होंगे 5000 वर्ष के अंदर, तो शूटिंग पीरियड में हार खाएगा अंतिम में या नहीं खाएगा? खाता है, हार खाता है, नहीं खाता है, अंत तक लड़ाई लड़ता है। हाँ, लेकिन बाबा राम वाली आत्मा ब्रह्म ड्रामा के बीच में दूसरे धर्म में जन्म लेती है ना, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा ना? अरे प्रभाव से प्रभावित देहधारी देह होती है या आत्मा प्रभावित होती है? जब देह होगी तो आत्मा तो प्रभावित होगा, देह ही नहीं है, अपन को आत्मा पक्का समझ लिया तो प्रभावित होगा नहीं होगा? अगर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं और सारी माया के प्रभाव में आ जाएं, तो माया को जीतने वाला कोई बचा या नहीं बचा? है? अरे बोलते काई नहीं, बोल तो बहुत करते हैं, है? नहीं बचा तो इसका मतलब कोई बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? बचना, कम से कम एक जरूर बचना चाहिए। इसलिए एक बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। जो वन बच्चा कहा जाता है उसी का नाम बाप के नाम के साथ गाया जाता है। कौन सा नाम गाया जाता है? शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में, 2 करोड़ सतयुग की श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में, 9 लाख षष्ठ के आदि वाली आत्माओं के बीच में, अष्ट देवों के बीच में एक का ही नाम जोड़ा जाता है, त्रिमूर्ति के बीच में भी ऊंचे ऊंचे देवताएं कितने हैं? 3 देवताएं हैं, उनमें भी शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन बाबा ने वार्तालाप में बोला है ऐसी कोई बात नहीं जो राम वाली आत्मा पर लागू ना होती। बिल्कुल, तो माना ये जो सर्वव्यापी बताने वाली है वो भी तो अव्वल नंबर में राम वाली आत्मा ही होती होगी ना? क्यों? राम वाली आत्मा क्या ये समझती है कि मेरे अंदर भी शिव व्यापी है? नहीं समझती है तो प्रजापिता को बकरे की दाढ़ी क्यों दिखाई गई? वो तो अंत की बात है। तो एक बार समझा ना, सर्वव्यापी समझा कि नहीं समझा? बस बाबा हम बब्बर शेर के बच्चे कब तक बेसिक वाले के समस्या को सह के रहेंगे,
सन कौन सी ईस्वी तक? दुनिया वाले के तो हम बोलते हैं हम बब्बर शेर के बच्चे हैं, लेकिन बेसिक जब वो अपनी पे उतर जाता है तो हम लोग श्रीमत के अनुकूल वहां से भागना पड़ता है बाबा। श्रीमत छोड़ देते हैं तो भगोड़े हुए या भगवान के बच्चे हुए? तो बाबा क्या करे, तो वो लोग अगर हाथ पैर अगर छोड़ना चाहता है अगर, या तो श्रीमत नहीं है ना, हाथ पैर चलाने का श्रीमत तो है। हाँ तो ये तो श्रीमत है कि कानून का आधार लो। कानून तो बाबा क्या हो, तो कानून तो वो लोग की मुट्ठी में होता है, एक बार हल दिया दृष्टि दे दिया हो गया कानून, चोली खिला दिया। माना भगवान की एक बात का तुमने उल्लंघन करने का पक्का कर लिया ना? कैसा बाबा? यही कि हम कानून की बात नहीं मानेंगे, हम कानून अपने हाथ में उठाएंगे। कानून उन लोग की मुट्ठी में है। किन की मुट्ठी में? बेसिक वाले नहीं, कानून अभी भी ईश्वर की मुट्ठी में है। ईश्वरीय कायदे कानून वो है जो कभी नष्ट नहीं होते इस सृष्टि पर। तो ईश्वर के कायदे कानून ना बाबा? हाँ, ईश्वरीय कायदे कानून आज भी सृष्टि पर चल रहे हैं। जितने भी कानून बने हैं और बन रहे हैं वो सब हमारे लिए पहले बन रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए है। सृष्टि में जो भी नया आविष्कार हो रहा है किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए पहले हो रहा है, वो हमारे काम पहले आएगा। ये सारी सृष्टि है किसके लिए? अरे जानवर और कीड़े मकोड़े और सारी जो प्राणियों की सृष्टि है वो मनुष्यों के लिए है, और मनुष्य जो सारी प्रजा है प्रजापिता की वो किसके लिए है? अरे अरे राज्य में जो प्रजा होती है वो किसके लिए होती है? कोई भी राज्य है दुनिया का या अभी भी, तो राज्य की सारी प्रजा किसकी सेफ्टी के लिए होती है? राजा की सेफ्टी के लिए होती है। तो दुनिया में इस सृष्टि में जो कुछ भी है पहले एक का कल्याण करने के लिए है, सिर्फ धैर्य रखने की बात है। धीरज धर मनुआ धीरज धर। सन कौन सी ईस्वी? कहते भी हैं भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आखिरी विजय किसकी है? तुम बच्चों की आखिरी विजय है। तो आखिरी विजय तक लड़ाई चालू रखना चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए? भागने की बात नहीं, मतलब वो लोग भागने की बात नहीं है। तुमको ऑर्डर दिया गया, मिलिट्री मार्शल ने तुमको ऑर्डर दिया, कानून के आधार पर चलो, अपनी मनमत मत चलाओ। ये दुनिया में जो भी कानून चल रहे हैं वो किसके बनाए हुए शुरुआत में कानून है? सृष्टि में सब प्रकार के कानूनों का बीजारोपण कौन करता है? अरे कहां करता है? अरे कौन से युग में सब प्रकार के कानूनों का बीजारोपण होता है? संगम युग। तो हमारे ही तो बनाए हुए कानून, हमने ही तो उल्टा काम किया है, तो कौन सहन करेगा? है? अगर प्रजापिता ने उल्टा काम किया है तो प्रजापिता को सहन करने का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रजापिता भाग जाए। बाबा हम ये पूछना चाह रहे थे सन कौन सी ईस्वी तक सहन करना पड़ेगा, ये पूछना चाह रहे थे बाबा। जब तक तुम्हारी बुद्धि में ये न बैठे कि भगवान आया हुआ है, तो ये तो बैठा हुआ ही है बाबा। बैठा हुआ है तो भाग क्यों जाते हैं? आज ज्ञान में चलते हैं, कल श्रीमत का उल्लंघन क्यों कर देते हैं? आज बाप को मानते हैं, बाप की आज्ञा को मानते हैं, कल ये क्यों समझ बैठते हैं कानून तो झूठा है, कानून का आधार नहीं लेना चाहिए, हम भगवान की भी बात नहीं मानेंगे? जो बाप के बच्चे होंगे वो 100% बाप की बात मानेंगे या आधी बातें मानेंगे आधी बातें नहीं मानेंगे? हाँ, अगर नहीं मानते हैं, आधी बातें मानते हैं भगवान की, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें, और आधी बातों कहते हैं हम ये नहीं मानते, तो वो विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी है।